हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं इतने दिन से कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा था, मेरे सिस्टम में कुछ इश्यू आ गया था तो इसके लिए थोड़ा डिले हो गया ये वाला वीडियो। तो ठीक है, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉथ फिजिक्स। तो इसके पहले हम एक फिजिक्स देख चुके हैं, रिजिड बॉडी फिजिक्स। तो आज हमको देखना है क्लॉथ फिजिक्स। तो ये फिजिक्स टाइप में जो यहाँ पर क्लॉथ है ना, इसके ऊपर हम रिजिड बॉडी फिजिक्स इसके पहले देख चुके हैं क्लास में। अब देखो क्लॉथ फिजिक्स हमको देखना है, तो उसके पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्यूब को हटा देता हूँ। एक यूवी स्फीयर ले लेते हैं, इसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, सब डिवाइड करके शेड स्मूथ। और मैं एक प्लेन ले लेता हूँ जिसको हमको एक क्लॉथ बनाना है, उसको थोड़ा सा क्रैप कर लेते हैं जेड एक्सिस में। अब क्लॉथ फिजिक्स बहुत ईजी है। देखो किसी भी, जैसे मैं मान लो इसको मेरे को क्लॉथ बनाना है, तो इसको बस सिलेक्ट किया, सिंपली फिजिक्स टैब में जाके क्लॉथ पे दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो क्लॉथ हो वो इस स्फीयर पे जाके टकरा जाए, मतलब इस पे इसको, इस स्फीयर पे इसको टकराना है। अब अगर हमको इस स्फीयर पे क्लॉथ का इंटरेक्शन चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी, किसी भी क्लॉथ पे अगर आपको किसी बॉडी को इंटरेक्ट करवाना है, तो उसके लिए उस बॉडी को आपको कोलिजन देना पड़ेगा। अगर ये कोलिजन नहीं देंगे तो क्लॉथ उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब सिंपली बस मैंने इसको कोलिजन दे दिया है, इसको क्लॉथ दे दिया। और अगर मैं इसको डायरेक्ट प्ले करता हूँ, देखो क्या होता है ना, ये बस प्लेन इस पे जाकर टिक गया। बट हमको क्लॉथ के जैसा बिहेवियर चाहिए, तो वो इसलिए नहीं अभी आया क्योंकि अगर इस प्लेन को आप एडिट मोड में जाके देखोगे, तो अभी ये पूरा एक पीस है ना, इसके पास कोई डिटेलिंग नहीं है बीच में। जैसे क्लॉथ में थ्रेड्स होती है ना, तो थ्रेड्स होती है उसके हिसाब से बेंडिंग होती है। तो यहाँ पर हमको अगर डिटेलिंग देना है, तो सिंपल इसको बस सब डिवाइड कर दो। जितना ज़्यादा सब डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा क्लॉथ का इफेक्ट आएगा। मान लो मैंने 50 में, या मैं 60 कर देता हूँ, ठीक है, 60 में इसको सब डिवाइड कर दिया। अब जब आप इसको प्ले करोगे, देखो ये क्लॉथ के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, अभी पहली बार आप प्ले करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा अटकता है। जब इसको फिर से प्ले करोगे तो ये सही स्पीड में, क्योंकि क्या होता है, ये देखो आप यहाँ ब्लू लाइन देख रहे हो, ब्लू लाइन का ये मतलब होता है क्लॉथ इस फ्रेम तक बेक हो चुका है ना। इसको हम अलग से बेकिंग भी देखेंगे, अभी मैं बताता हूँ। बट अगर आपको डायरेक्ट देखना है तो आप प्ले करके देख सकते हो। तो एक बार बेक हो जाता है, उसके बाद अच्छे से प्ले होता है। अब देखो अभी बिल्कुल सही नहीं है, इसके लिए हमको इसके सेटिंग्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसके सेटिंग्स क्या क्या है। क्वालिटी स्टेप्स, देखो इस क्वालिटी स्टेप को जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे, क्लॉथ का सिमुलेशन उतना अच्छा होगा, बट उसकी बेकिंग में उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो ये क्लॉथ आप इसको नॉर्मल बाई डिफॉल्ट 5 भी रहने दोगे, सही बनेगा। स्पीड मल्टीप्लायर का मतलब है जितना, जैसे अभी आप इसको अगर 1 से हटा के इसको 3 कर दो, तो आप देखोगे क्लॉथ की जो हमारी स्पीड है वो बढ़ जाएगी। बट देखो इसके साथ कुछ ये भी इफेक्ट, मतलब क्या हो रहा है कि ये बिल्कुल उसके आर पार हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रख के सारी सेटिंग्स करना है। अभी मैं इसको 1 रहने देता हूँ। फिर वर्टेक्स का मास है ना, क्लॉथ का हर वर्टेक्स कितने मास का होगा वो आप देख सकते हो। एयर की विस्कोसिटी आप जितना बढ़ाओगे उतना स्लो होगा सिमुलेशन। जैसे मान लो ये 1 है, मैं इसको 10 कर देता हूँ, तो ये क्लॉथ उतना धीरे धीरे जाएगा क्योंकि एयर की विस्कोसिटी बढ़ गई है, एयर ज़्यादा थिक हो गई है, तो ये इतना स्लो हो जाएगा, है ना। इसके अलावा जैसे इसको वापस 1 कर देता हूँ, ये बेंडिंग मॉडल क्या है देख लो। जैसे अगर मैं इसको अभी एंगुलर रहने दूँ और प्ले करूँ, तो क्या होगा, ये जो बेंडिंग का मॉडल थोड़ा, जैसे यहाँ पे जिगजैग टाइप का पैटर्न बन रहा है, बट अगर आप इसको एंगुलर की जगह लीनियर कर दोगे, उसके बाद प्ले करोगे, तो देखो ये बिल्कुल सीधा आ रहा है, ये लीनियर बना है ना, इसमें कोई भी जिगजैग पैटर्न नहीं आ रहा। तो ये जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा इससे होता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एंगुलर चाहिए या लीनियर चाहिए वो कर सकते हो। फिर ये स्टिफनेस, स्टिफनेस का क्या मतलब होता है कि एक तरह से हार्ड, कितना हार्ड होगा आपका मटेरियल। और इसमें भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे टेंशन कंप्रेशन तो आपको पता है, किसी भी क्लॉथ में कितना टेंशन मतलब खिंचाव है ना, कंप्रेशन मतलब दबाव, तो वो कितना ज़्यादा आने वाला है वो सारी प्रॉपर्टी। पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बेंडिंग का। जैसे अभी 0.5 है, तो 0.5 में कैसे बिहेव कर रहा है ये, कि इस टाइप से देखो ये पूरा अंदर तक बेंड हो जा रहा है।
बट अगर मैं इसको 0.5 से बढ़ा के मान लो 50 कर देता हूँ, तो देखो अभी क्या होगा, मतलब क्या होता है, बेंडिंग का मेन मतलब होता है ये जो फोल्ड्स हो रहे हैं ना, ये फोल्ड्स उतने ये फोल्ड्स जो हो रहे हैं ये बड़े बड़े होते हैं, जितने ज़्यादा फोल्ड्स पड़े होंगे उस हिसाब से ये क्लॉथ का बिहेवियर दिखेगा। तो ये बेंडिंग पे अपने हिसाब से आपको जितना चाहिए, जितने फोल्ड्स बड़े बड़े चाहिए उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। तो जैसे 10 किया तो ठीक है, ये हमको ठीक लग रहा है वो, तो इसको हम 10 रहने देते हैं। अब इसके अलावा और चीज़ें देखते हैं। अब जैसे आप अभी देख रहे हो कि क्लॉथ एक दूसरे में आर पार हो रहा है, ठीक है, तो वो भी अभी इसकी सेटिंग आएगी नीचे, मैं बताता हूँ। उसके पहले ये डैम्पिंग देखते हैं। डैम्पिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कोई मूवमेंट में है तो वो उसका मूवमेंट कितनी जल्दी रोक पाएगा, वो डैम्पिंग होता है। तो इसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। जैसे क्या होगा, आप डैम्पिंग जितनी ज़्यादा बढ़ाओगे उतना जल्दी ये क्लॉथ स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो ये डैम्पिंग की सेटिंग पे आप चेंज कर सकते हो। जैसे अभी अब मैं इसको प्ले करूँ तो ये चलते रहेगा, है ना, जब तक आपकी फ्रेम चल रही है क्लॉथ चलते रहेगा। बट डैम्पिंग आप जितनी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो क्लॉथ का जो मूवमेंट है उतनी जल्दी रुक जाएगा। फिर इंटरनल स्प्रिंग अभी के लिए स्किप कर देते हैं, ये प्रेशर भी मैं बाद में बताऊंगा, है ना। अभी मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, ये शेप है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक पिन ग्रुप लिखा है और कुछ वर्टेक्स बने हुए, इसका क्या मतलब होता है, जैसे अभी ये हम प्ले कर रहे हैं तो पूरा का पूरा क्लॉथ गिर रहा है नीचे, हम चाहते हैं किसी जगह से पिन हो जाए, है ना, हिंज हो जाए। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि ये क्लॉथ इन दो, ये पूरी एज से हिंज हो जाए, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके एडिट मोड में जाओ, है ना, हमको जो जो वर्टेक्सेस को पिन करना है, जैसे मान लो हमको इन सारे वर्टेक्स से पिन करना है, तो आल्ट के साथ मैं ये वाला लूप सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसको हमको एक ग्रुप देना है, तो वो कहाँ देते हैं, यहाँ पर ये वाला जो टैब है वर्टेक्स का है, यहाँ पर देखो वर्टेक्स ग्रुप शेप की ये सारी चीज़ें, तो हमको एक वर्टेक्स ग्रुप ऐड करना है। तो ये प्लस का ऑप्शन दबाओ, यहाँ पर एक ग्रुप आ गया। इस ग्रुप में आप जितने वर्टेक्स सिलेक्ट करके असाइन कर दोगे, वो जैसे मान लो इस ग्रुप को मैं नाम दे देता हूँ पिन। अब मैं चाहता हूँ कि इस वर्टेक्स ग्रुप से इसको पिन करना, तो मैं इसको यहाँ पर असाइन कर दूंगा। क्या इसका क्या फ़ायदा होता है, जैसे आप अगर इसको डीसिलेक्ट भी कर दोगे और आप चाहते हो उन्हीं पर्टिकुलर वर्टेक्सेस आपको फिर से सिलेक्ट करना, जैसे अभी तो हमने एक लूप सिलेक्ट किया, बट आप अगर बहुत सारे अलग अलग जगह पर वर्टेक्सेस सिलेक्ट करोगे फिर आप उनको फिर से सिलेक्ट करना चाहते हो, तो बस इस ग्रुप्स पे जाओ और सिलेक्ट दबा दो, तो वो वाले वर्टेक्सेस सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी हमने इनको असाइन कर रखा है, और अगर आपको हटाना है तो फिर से रिमूव कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं बस इसको असाइन करके फिर से इसके ऑब्जेक्ट मोड में जाके फिजिक्स टैब में चलते हैं। अब देखो ये पिन ग्रुप जो है, इसमें अगर आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर आप पिन दिखाएगा, पहले अगर आप यहाँ पर देखते तो कुछ नहीं दिखाता क्योंकि हमने कोई भी वर्टेक्स ग्रुप असाइन नहीं किया था। अब पिन दिखा रहा है, इस पर अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, अब देखो क्या होगा, जब मैं प्ले करूँगा तो उस जगह से पिन हो जाएगा, देखो ऐसा, है ना, यहाँ से बिल्कुल हिल नहीं रहा है ना, यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो गया है क्लॉथ, उसके अलावा बाकी क्लॉथ बिहेव करता है। तो आप कुछ जगह का, जितनी भी जगह पर आपको पिन करना है आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसका वर्टेक्स ग्रुप बढ़ा दूँ, ठीक है, इसको मैं फिर से एडिट मोड में जाके मान लो अगर मैं यहाँ इस लूप को भी सिलेक्ट करके, है ना, और असाइन कर दूँ, अब देखो क्या होगा, अब हमने वहाँ पर पिन तो दे रखा है, तो अब ये दोनों एजेस से फिक्स हो जाएगा। देखो अभी नीचे जा ही नहीं रहा है क्योंकि ये दोनों इस एज से भी और इस एज से भी ये फिक्स हो चुका है। तो ये होता है पिनिंग। फिर और क्या सेटिंग्स है, देखो ये शेप में आता है, इसके अलावा है सीविंग जो दिख रहा है आपको। सीविंग का मतलब आपको पता है सिलाई, तो आपको क्या होता है बहुत सी जगह जहाँ पर हमको कोई कैरेक्टर बनाना है उसको हमको क्लॉथ कपड़े पहनाना है ना, टी शर्ट हुआ और पेंट हुआ, तो वहाँ पर क्या होता है अगर उनमें आप थोड़ा सा सीविंग का इफेक्ट दोगे तो बहुत अच्छा आता है। अब इसका यूज़ क्या है ये देख लो, जैसे मैं पहले तो क्या करता हूँ ये पिनिंग हटा देता हूँ यहाँ से, ना इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा क्लॉथ इस यूवी स्फीयर पे गिर जाए, तो ऐसा, ठीक है, जैसा हमारा पहले था। अब इस सीविंग का मतलब बताता हूँ मैं, इसको अगर मैं चेक करूँ, और अभी अगर मैंने कुछ भी नहीं किया बस इसको चेक कर दिया और मान लो सीविंग फोर्स में 0 की जगह 1 कर दूँ, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है,
क्योंकि इसको पता ही नहीं कि मेरे को स्विमिंग करना कहाँ है, क्योंकि स्विमिंग के लिए गैप चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो इसके एडिट मोड में जाता हूँ मैं, इसके बीच में कुछ पार्ट में डिलीट कर देता हूँ, जैसे और मैं थोड़े फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन सारे फेसेस को डिलीट कर दिया। बट अगर अभी भी मैं इसको प्ले करूँगा तो सेविंग इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेविंग के लिए जैसे अभी तो ये दोनों तो अलग अलग बिहेव कर रहे, देखो है ना, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों सिल जाएँ एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए यहाँ पर हमको थ्रेड्स चाहिए। तो वो थ्रेड्स ब्लेंडर में कुछ नहीं है, बस वो एजेस को थ्रेड्स कंसिडर करता है, तो हमको बस इनके बीच एजेस चाहिए। तो वो कैसे आएगी, तो वो आप ऐसे कर सकते हो कि आप एज मोड में जाके इस पूरे एज लूप को सिलेक्ट करो, इस पूरे एज लूप को सिलेक्ट करो और कंट्रोल ई प्रेस करो, और यहाँ पर ब्रिज एज लूप्स नाम से इसको आप जब क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर एक ब्रिज बन गया। बट ये साथ में फेसेस भी आए, बट हमको फेसेस नहीं चाहिए, हमको सिर्फ ये एजेस चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर एक्स दबा के ओनली फेसेस को डिलीट कर दो। देखो अब क्या हुआ, हमारे पास यहाँ पर बीच में एजेस अवेलेबल है, और इन एजेस को जो ब्लेंडर है वो थ्रेड्स कंसिडर करेगा। अब जब प्ले करोगे देखो क्या होता है, पहले सीविंग होगा, और देखो अब अभी हमने फोर्स बहुत कम रखा है, कितना 1 है, तो उसके हिसाब से हुआ है कि फोर्स आप जितना बढ़ाओगे उतना अच्छे से, जैसे मान लो 1 की जगह मैं 5 कर देता हूँ, तो वो उतना ज़्यादा जल्दी से सीविंग। देखो यहाँ पर ही है ना सिलाई वाला इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये यूज़ कर सकते हैं हम जब किसी कैरेक्टर क्लॉथिंग करना है, हमको टी शर्ट बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टी शर्ट के आगे और पीछे का हिस्सा बना सकते हैं, और उसको जहाँ जहाँ पर हमको थ्रेड देना है वहाँ वहाँ पर एजेस दे के ये वाला हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ पर, देखो अभी आप देख रहे हो जब मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ये मतलब ये बिल्कुल एक दूसरे के अंदर जा रहा है, बट क्लॉथ तो ऐसे ही नहीं करता ना, क्लॉथ एक दूसरे के साथ कोलाइड करना चाहिए, खुद के साथ भी कोलाइड करना चाहिए। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है कोलिजन्स का, जब इसको आप खोलोगे इसमें एक ऑप्शन आएगा सेल्फ कोलिजन, तो इसको बस चेक कर दो। और इसमें भी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, डिस्टेंस, तो ये सब आप चेंज करके देख सकते हो क्या बिहेव करते हैं। बट अभी मैं बस इसको नॉर्मल चेक करके फिर प्ले करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। देखो अभी क्या होगा, ये जो क्लॉथ है ये खुद के साथ भी कोलाइड कर रहा है, इसके लिए ये एक दूसरे के अंदर नहीं जाएगा, है ना, वरना क्या हो रहा था, इतनी देर से अंदर जा रहा था। तो सेल्फ कोलिजन ऑन कर दोगे तो ज़्यादा रियलिस्टिक फील आता है, ठीक है। इसको फिर से प्ले करेंगे तो ये नॉर्मल स्पीड में प्ले होगा, तो ये कोलिजन्स था। अब एक ये कैश टैब है, ये किस काम आता है, जैसे अब मेरे को क्या करना पड़ रहा है, मैं मान लो मैंने प्ले करके देख लिया सारी चीज़ें कि मेरे को हाँ फाइनली यही चीज़ चाहिए, अब मैं जब एनिमेशन करूँगा कुछ भी मैं इसका वीडियो बनाऊँगा तो मेरे को इसी टाइप का ये चाहिए, तो मैं क्या कर लूँगा, इसको बेक कर लूँगा। बेक का ये मतलब, जैसे अभी क्या होगा, देखो अभी मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये इस वाली पोजिशन की दिखा रहा है मेरे को, बट अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बेकिंग हुआ ही नहीं है ना। इसके लिए क्या होता है, बेकिंग अगर एक बार करके रख लो उसके बाद ही आप कहीं भी किसी भी फ्रेम पे जाओ और ये बिल्कुल स्मूथ चलेगा, जैसे मैं अगर इसको बेक कर लूँ, ठीक है। और अब यहाँ पर एंड और स्टार्ट फ्रेम है, आप 1 से स्टार्ट करके 250 आपको जितनी फ्रेम्स बेक करना है आप बेक कर सकते हो। अभी बेक करने में देखो यहाँ पर MBs भी दिखा रहा है, कितना MB ये ले रहा है, और इसकी लोकेशन भी होती है ना, इसका कैश फोल्डर वो वहीं पर बना लेता है जहाँ पर आपकी ये फाइल सेव होगी, वहीं पे एक कैश नाम से फोल्डर बना लेगा, और आप उस फोल्डर को चेंज भी कर सकते हो, वो भी मैं बता दूंगा। तो ये देखो यहाँ पर आपको प्रोग्रेस दिखा रहा है ना, जितना आपका क्लॉथ में डिटेलिंग होगा, जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आप चेंज करोगे उसके हिसाब से ये टाइम लेगा, है ना, जितना भी टाइम ले ये एक बार बेक हो जाएगा। जैसे अभी दिख रहा होगा 150 फ्रेम्स इन मेमोरी, ठीक है। तो अभी ये सारी की सारी एक जगह पर सेव हो रही है, ठीक है, अभी मतलब ये सेव कर रहा है इसी ब्लेंडर फाइल में। ये जब पूरा बेक हो जाएगा, देखो इसको बेक हो जाने देते हैं, अब क्या होगा, अभी बिल्कुल स्मूथ प्ले करेगा आप जब भी प्ले करोगे, क्योंकि बेक हो चुका है।
एक तो स्मूथ प्ले करेगा, उसके अलावा ये भी कि आप जिस फ्रेम पे जाओगे उस फ्रेम की पोजीशन ही दिखाएगा ना, आप फ्रेम पकड़ के भी देख सकते हो कहाँ पर क्या बिहेवियर है, ठीक है। और बस अभी हमने 250 तक ही किया, इसके लिए 250 तक होगा, ठीक है। तो ये ब्रेक का मेन काम ये होता है ना कि आप खुद जैसे फाइनल आपका हो जाए तो आप एनिमेशंस करना चाहते हो तो ब्रेक करके रख लो तो अच्छा रहता है। उससे क्या होता है, जैसे हमको कहीं बीच से भी अगर इसको एनिमेट करना है, हम चाहते हैं कि 120 से 250 तक इसका एनिमेशन हो, तो हम 120 से जब ब्रेक करेंगे तो उसके हिसाब से वो क्लॉथ की जो पोजीशन होगी वो खुद ले लेगा, अगर ब्रेक करके रखा हुआ है तो। इसके लिए मैं बोलूँगा ऐसे ही रिजिड बॉडी में भी होता है, आप ब्रेक करके रख लो, जब भी आपको एनिमेशन करना है आप ब्रेक करके रख लो उसको, अगर आपका फाइनल हो जाए तो। तो ये मेन सारी प्रॉपर्टीज यही थी फिजिक्स की, क्लॉक फिजिक्स में। उसके अलावा जैसे इसमें कुछ चीज़ें बची है, जैसे इंटरनल स्प्रिंग प्रेशर, तो ये मैं अलग से एक बनाऊंगा ट्यूटोरियल प्रेशर वगैरह का क्या काम आता है ना, उसमें हम अच्छे से समझ लेंगे। ये तो बेसिक यही था क्लॉथ का फिजिक्स, आप जितना ज़्यादा डिटेल दोगे इसको, शेड स्मूथ कर दो तो ये बिल्कुल क्लॉथ के जैसा आपको दिखेगा, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।